व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज का टॉपिक है कुकर। तो गाइस ये हमारा लास्ट वीडियो है इस सीरीज का, इसके बाद हम कुछ नया ट्राई करेंगे। सो गाइस लगभग एक महीने पहले मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया था, स्टिल लाइफ स्टडी स्केचेस। सो गाइस इस तरीके के बहुत सारे वीडियोज आपको मेरे इस चैनल पे मिल जाएंगे, तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखो गाइस। इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस मैं अब तक बना चुका हूँ दोस्तों, तो दोस्तों इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो प्लीज ये सारे वीडियोस देख लो गाइज। सो गाइज आप देख सकते हो इसका जो बेसिक शेप हो जाने के बाद इसके ऊपर के जो आउटलाइंस मुझे दिख रहे हैं वैसे वैसे मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइज जो मेरे डेली व्यूअर्स है उनको पता होगा मैं डेली वीडियोज में ऐसे ही कहता आया हूँ कि बेसिक शेप्स, आउटलाइंस और डिटेल वर्क, इन तीन टॉपिक के ऊपर ही मैं ज्यादातर बोलता है इस पूरे सीरीज में। तो दोस्तों अगर आपका बेसिक शेप परफेक्ट है तो आपका आउटलाइन परफेक्ट होगा, अगर आपका आउटलाइन परफेक्ट है तो आप अपने स्केच को डिटेल वर्क लाने में भी परफेक्शन तक पहुंच जाओगे। सो गाइस आप देख सकते हो अब मैं इसका जो हैंडल है वो रियलिज्म लाने की कोशिश कर रहा हूँ इसके ऊपर, देख सकते हो आप इसके शेड्स में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरे कुकर के ऊपर जो स्टील का इफेक्ट है वो इफेक्ट लाने के लिए मैं नॉर्मली जो पेंसिल के नॉर्मल शेड से वो देखकर मैं इफेक्ट लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और दोस्तों इन पेंटेड डेज में मैंने ये सीखा कि ये जो लाइफ स्टडी होती है उसमें हमें प्रॉपर ऑब्जर्वेशन और पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। अगर आप प्रॉपर ऑब्जर्वेशन और पेशेंस के साथ स्केच निकाल रहे हो तो आप डेफिनेटली परफेक्शन तक पहुंच सकते हो गाइज। ये दो चीजें आप ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करो गाइज। सो दोस्तों आप देख सकते हो पेंसिल के लाइट शेड से मैंने इसके ऊपर जो स्टील का इफेक्ट है वो लाने की कोशिश किया है। सो गाइज आप देख सकते हो कुकर का जो नीचे का पार्ट है उसका प्रॉपरली स्केच हमने ड्रॉ कर लिया है। सो गाइज आप देख सकते हो कुकर का नीचे का पार्ट हो जाने के बाद इसके ऊपर की जो सीटी होती है वो हम ड्रॉ कर रहे हैं एकदम लाइटली। लाइट इफेक्ट देने के बाद इसके ऊपर हम डार्क इफेक्ट देंगे गाइज। सो दोस्तों आप देख सकते हो इस कुकर का ड्राइंग हो जाने के बाद हम इसके नीचे का जो हमें शेडो दिख रहा है वो ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर हम ब्रश से ब्लेंड कर देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा फाइनल वर्क कुछ इस तरीके से लग रहा है। तो दोस्तों अगर आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज गाइस लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस में लाता रहूंगा आपके लिए। और ऐसे ही दोस्तों वीडियो देखते रहो और लाइफ एंजॉय करते रहो।